जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल NNIS पर। और आज दोस्तों केमिस्ट्री में हम लोग जो है अम्ल क्षार और लवण के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में आपने अम्ल लवण के बारे में बहुत अच्छे से समझा और आपने ये देखा कि किस तरह जो है कौन कौन से एसिड किस चीज़ में पाए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट हमने आपको बताई। और इसके साथ ही साथ हमने क्षारक को देखा, जो क्षारक जल में घुलनशील है वो क्षार कहलाते हैं, ये भी हमने देखा, मतलब क्षारक और क्षार के बीच अंतर भी देखा हमने। और क्षार जो कि बेस होते हैं दोस्तों, ये जल में घुलनशील होते हैं, किस में पाए जाते हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी थी। आज दोस्तों हम एक जो है इसके आगे की बातें करेंगे कि किस तरह जो है लवण होते हैं, अम्ल क्षार में अंतर समझते हैं और जो बातें जो है शेष रह गई थी पिछली क्लास से उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री की इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, इसी को हम आगे देखेंगे। तो आज दोस्तों हम देखते हैं कि दरअसल अम्ल में और क्षार में क्या डिफरेंस है, आज हम अंतर देखेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे क्लास को, इसी के साथ क्लास शुरू करेंगे। तो अम्ल हो गया, इधर हम अम्ल लिख देते हैं और इधर लिख लेते हैं क्षारक, मूलतः जो है क्षारक ही देख लेते हैं, क्योंकि क्षारक जो है वो सारे तत्व हैं जिसमें क्या है, जिसमें जो है स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है और ये स्पर्श करने पे साबुन जैसे चिकने लगते हैं। चलिए अंतर देखा जाए। अम्ल जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, पहले सामान्य अंतर है, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, ठीक है, होते हैं। टेस्ट में ये क्या होते हैं दोस्तों, सोर होते हैं या खट्टे होते हैं। क्षारक के साथ क्या है, ये जो है स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं, जिसको हम बिटर कहते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं या बिटर होते हैं, ठीक है। अब एक लिटमस पेपर होता है दोस्तों, लिटमस पेपर को संसूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है वर्णकों के मामले में, रंगों के मामले में, रंगों को पहचानने के लिए जो प्राकृतिक वर्णक रंजक होता है वो क्या है, वो है जो है लिटमस पेपर। अब देखिए लिटमस पेपर के आधार पर अगर हम इनको बांटें तब क्या होगा, अगर इन पे अम्ल डाला जाए नीले लिटमस पेपर पे, तो नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को ये क्या करते हैं दोस्तों, लाल में बदल देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं पहली बात, और दूसरी बात दोस्तों नीले लिटमस पेपर पे अगर एसिड को डाला जाएगा तो किस में बदल जाएंगे, लाल लिटमस पेपर में, ठीक है। आगे की बात करेंगे, यहां भी, यहां क्या होगा, यहां पर लाल लिटमस को, पेपर को नीला कर देते हैं, याद रखने वाली चीज है थोड़ा सा ये। अम्ल में क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को एसिड लाल में बदल देते हैं, और क्षारक में क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अब कुछ जो है हम उदाहरण देख लेते हैं क्षारक के, ठीक है, कुछ जो है क्षारक के और कुछ अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं। और देख भी चुके हम, जैसे ये मान लीजिए अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, काफी जो है महत्वपूर्ण अम्ल है, HCl, ठीक है, HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर दूसरा है
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? H2SO4। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? H2SO4, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का क्या होगा? HNO3 होगा, ठीक है, ये सूत्र इनका है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का होगा CH3, COOH, COOH, ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो ये कुछ अम्ल हो गए। इसी तरह क्षार में देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण अम्ल और महत्वपूर्ण क्षार की क्या है, लिस्ट है। जैसे NaOH है, इसका सूत्र क्या है? NaOH। अब उसका क्या है? KOH। पोटेशियम का क्या है? KOH। कैल्शियम का क्या है दोस्तों? CaOH2, CaOH2, ठीक है। इसी तरह अमोनियम का क्या हो जाएगा? NH4OH। अमोनियम का क्या हो जाएगा? NH4OH, NH4OH। इस तरह जो है, ये है अम्ल और ये है क्षार, ठीक है। इनके सूत्र भी आप जो है अगर संभव हो तो याद कर लीजिए कि महत्वपूर्ण अम्ल और महत्वपूर्ण क्षार की लिस्ट है। अंतर इनमें मूलतः क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से जो है प्रयोग किया जाता है इनमें अंतर के लिए। अब दोस्तों इसी के साथ, अब चूंकि लिटमस पेपर को भी देख लेते, क्या है लिटमस पेपर? आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि लिटमस पेपर क्या है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसको, लिटमस पेपर क्या है। प्राकृतिक सूचक है ये, क्या है? लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, ये क्या है? प्राकृतिक रंजक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक रंजक, मतलब जो ये पता लगाता है कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। आइए देखते हैं आगे। ये सबसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्या है? प्राकृतिक रंजक है। तो ये क्या है? सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है ये, प्राकृतिक सूचक, ठीक है, ये बहुत सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हुई? अब दोस्तों इसे कहां से प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर प्राप्त कहां से किया जाता है? तो दोस्तों ये जो होता है लाइकेनों से। लाइकेन पता है आपको कि ये शैवाल और कवक का सजीवी संबंध है, ठीक है। तो लाइकेनों से इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको जो है क्या कहते हैं?
शायक, शायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शायक। तो ये लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ये क्या है, किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। और जब इसको अम्ली विलयन में मिलाया जाता है, जब इसको अम्ली विलयन में मिलाया जाता है, जब इसको अम्ली विलयन में मिलाया जाएगा तब क्या हो जाएगा? मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहीं पर आप देख लीजिए, जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाएगा तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला हो जाएगा। अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और इसी तरह इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। ये प्राकृतिक सूचक के बारे में आप ने देखा, इसके बारे में आपने देखा। ठीक है, ये किस रूप में उपलब्ध होता है? इस ये जो उपलब्ध होता है दोस्तों, या तो विलयन रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है, या तो फिर जो है किसके रूप में? कागज की पट्टियों के रूप में। या तो ये विलयन के रूप में होता है उपलब्ध, या तो कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं फिर? लिटमस पत्र। तो ये कहने का मतलब, ये दोस्तों दो तरह के रंग में उपलब्ध होता है। ठीक है, एक जो है नीले रंग में और दूसरा जो है लाल रंग में। ठीक है, मतलब दो रंगों में ये उपलब्ध होता है लिटमस पत्र, ठीक है, या विलयन नीले रंग में या लाल रंग में। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों, ऐसे विलयन जो, मतलब मान लीजिए लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे भी जो है विलयन होंगे। मान लीजिए अगर वो लाल में बदल गया, अगर लाल में बदल गया तो इसका मतलब है एसिड है, नीले में बदल गया तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? क्षार है। लेकिन मान लीजिए वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब वो क्या होगा दोस्तों? वो विलयन, जो विलयन लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता, वो क्या है? उदासीन विलयन है दोस्तों। क्या है? उदासीन विलयन, जिससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ना तो अम्ली होते हैं, ना तो अम्ली ये, और ना तो क्षारी। ये विलयन जो होते हैं, ना तो अम्ली होते हैं, ना तो क्षारी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, गुड़हल का जो पुष्प है, गुड़हल का पुष्प जो होता है दोस्तों, ठीक है, गुड़हल का पुष्प जो होता है, ये अम्ली विलयन को क्या कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है। गुड़हल का पुष्प अगर विलयन अम्ली है तो इसको क्या कह देगा? गहरा गुलाबी। ठीक है, गुड़हल का पुष्प जो होता है दोस्तों, ये भी एक तरह का जो है क्या करता है? संसूचक है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? गहरा गुलाबी या मैजेंटा कर देता है। क्या कर देता है?
मजेंटा कर देता है, इसको मजेंटा भी कहते हैं गहरे गुलाबी को। इसी तरह अगर गुड़हल के पुष्प को क्षारीय विलयन में डुबोया जाए या मिलाया जाए, क्षारीय विलयन में डुबोया जाए या मिलाया जाए तो क्या कर देगा रंग, ये हरा कर देगा। मतलब गुड़हल के पुष्प से भी आप इस चीज का पता लगा सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। मान लीजिए लिटमस पेपर आपको नहीं मिल रहा है, आप ये पता लगाना चाहते हैं किसी विलयन के बारे में कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप गुड़हल का पुष्प जो है उसमें डाल दीजिए। अगर जो है विलयन गहरा गुलाबी हो गया या मैजेंटा हो गया, तब आप ये समझिए कि वो विलयन क्या है, एसिडिक है। और अगर वो विलयन जो है क्या हुआ, हरा रंग हो गया, तो इसका मतलब वो क्षारकीय है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये भी जैसे लिटमस करता है वैसे इसका भी काम है, ठीक है, रंगों को प्रदर्शित करना। और ये दोनों क्या है दोस्तों, प्राकृतिक जो है रंजक है। क्या है? प्राकृतिक रंजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल जो है क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार जो है नीले लाल लिटमस को नीला, क्षार नीला करेगा, अम्ल लाल करेगा। बस ये अम्ल की जगह आप रेड निशान याद रखिए, लाल निशान याद रखिए, क्षार की जगह नीला याद रखिए। अम्ल आप बहुत सुनते हैं, अम्ल तो आप खतरे का निशान समझिए, अम्ल मतलब खतरे का निशान, तो लाल कलर से इसको अटैच कर दीजिए कि अगर अम्ल जो होगा तो वो क्या करेगा, रंग को लाल कर देगा, बाकी बचा नीला रंग, ठीक है। तो नीला रंग क्षार के लिए याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सूचक का नाम, कुछ जो है अम्ल क्षार के और सूचक हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक, आइए देखते हैं कुछ अम्ल क्षार सूचकों को। यहां हम लिखेंगे सूचक का नाम, यहां लिखेंगे अम्ल के रंग में, अम्ल के रंग में परिवर्तन, और यहां लिखेंगे क्षार के रंग में परिवर्तन, ठीक है, क्षार के रंग में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चलिए यहां सूचक है, यहां अम्ल के रंग में क्या परिवर्तन होगा वो बात लिखी जाएगी, और यहां जो है क्षार के रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो अम्ल में सूचक में सबसे पहला जो सूचक है नीला लिटमस विलयन, लिटमस से शुरू करते हैं, तो नीला लिटमस विलयन पहला है, नीला लिटमस विलयन। तो अगर नीला लिटमस विलयन है दोस्तों, तो अम्ल आपको पहले से लाल मैंने कलर इंडिकेट कर दिया है, लाल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नीला लिटमस विलयन है तो ये क्या हो जाएगा, लाल रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब यही चीज नीला लिटमस विलयन अगर क्षार के साथ मिलाया जाता है तो क्या होगा, ये तो लाल रंग में बदल जाएगा अगर अम्ल है, तो यहां जाहिर सी बात है रंग में कोई परिवर्तन नहीं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि क्षार जो होता है दोस्तों वो नीले लिटमस विलयन को प्रभावित नहीं करता, कौन करता है, सिर्फ अम्ल करता है, और किस में बदलता है, लाल रंग में, ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, ठीक, बात समझ पाई। अब दूसरा, अब यही देखिए, लाल लिटमस विलयन, लाल लिटमस विलयन,
अब यहां चूंकि लाल लिटमस विलयन है तो यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई जब पहले से ही लाल है भाई, अम्ल लाल रंग में बदलता है तो लाल रंग जब पहले से ही लिटमस का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नीले में बदलता है तो जब नीला पहले से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही कहने का मतलब है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। और यहां जाहिर सी बात आपको पता ही होगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चूंकि कोई परिवर्तन नहीं है, यहां पर ये लाल लिटमस है तो यहां पर नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीला लिटमस विलयन है तो अम्ल में ये लाल में बदलेगा, और चूंकि यहां पर जो है ये क्षार का काम है नीले रंग में बदलना, तो यहां पर नीले रंग में क्या बदलेगा, नीला तो वो है ही, या हो सकता है उसने नीले रंग को फिर से नीले में बदला तो परिवर्तन दिखेगा भी नहीं, ये भी समझ सकते हैं, ठीक। अब लाल लिटमस विलयन है तो ये अम्ल क्या होता है, अम्ल लाल में ही तो चेंज करता है, हो सकता है लाल में चेंज किया भी हो, लेकिन लाल रंग जब विलयन का पहले से ही है तो उसमें दिखेगा कहां, लाल है तो लाल ही रहेगा, तो कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन यहां पर चूंकि बात अलग हो जाएगी, तो अगर वो लाल है तो ये जो है चूंकि नीले रंग में बदलता है, ठीक है, अगर विपरीत रंग है तब ये बदलेगा, लाल को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। अब नीले को क्या नीले में, मतलब इसका काम है नीले रंग में बदलना, इसका काम है लाल रंग में बदलना, एकदम रट लीजिए, ठीक है। अम्ल का काम है लाल रंग में बदलना और क्षार का काम है नीले रंग में बदलना, ठीक है। अब तीसरी चीज आप देखेंगे, तीसरी चीज जो देखेंगे हल्दी, हल्दी भी प्राकृतिक रंजक है दोस्तों, ठीक है, हल्दी प्राकृतिक रंजक है। अगर हल्दी को हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, हल्दी को अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहीं क्षार के साथ मिलाएंगे तो लाल रंग में परिवर्तित, ठीक है। कभी आपने देखा होगा किसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा, या मान लीजिए बहुत जगह कहीं सामग्री रखी हुई है, हल्दी का रंग लाल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें क्षार का तत्व तो जो है मैच कर रहा है, मिल गया है, मिक्स हो गया है, ठीक है, तो वो लाल रंग में बदल गई है, ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक संसूचक है, मतलब हल्दी में जो है ये क्षार रंग किस में बदलता है, इसको लाल रंग में बदलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा है दोस्तों मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, लाल रंग में बदल देता है किसको, अम्ल को, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अम्ल को किस में बदल देता है, अम्लीय विलयन को लाल रंग में बदल देता है, और क्षारीय विलयन को क्या करता है, पीले रंग में बदल देता है, क्षार को किस में बदलता है, पीले रंग में, ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा, फिनोथलीन, फिनोथलीन, फिनोथलीन ये क्या होता है, फिनोथलीन क्या होता है दोस्तों, रंगहीन होता है, ठीक है, फिनोथलीन क्या होता है, रंगहीन होता है। अगर इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाए तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी तरह जो है अगर इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, किस में बदल जाएगा, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रमुख सूचक हैं दोस्तों, इनके बारे में ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा की दृष्टि से जो है
आपको याद करना आवश्यक है क्योंकि सवाल पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। खासकर नीला और लाल लिटमस पेपर तो जरूर याद होना चाहिए आपको, ये जरूर से जरूर याद होना चाहिए। अम्ल इसको लाल में बदलता है और अम्ल जो है क्या करता है, लाल में बदलने का काम करता है। बस यही याद रखिए, चाहे इधर कोई भी रंग हो, लिटमस के केस में आप याद रखिए अम्ल जो है नीले को लाल में बदलेगा और लाल के लिटमस को जो है छार लाल के लिटमस को नीले में बदलेगा। बस यही आप याद रखिए। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हल्दी भी आप याद करिए। हर याद रखिए, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन छार में क्या होता है, लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में पीले रंग में बदल जाता है। फिनोफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन क्षारीय विलयन में ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये हो गई अम्ल और क्षार की संसूचना की कसरत। ठीक है, इस तरह हम इसको संसूचित करते हैं। आइए देखते हैं, अब देखेंगे दोस्तों क्या, अब देखेंगे हम लवण। ठीक है, अब क्या देखेंगे, लवण, लवण या साल्ट। साल्ट क्या है, अगर अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, अगर अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तब क्या होगा। आप कल्पना करिए कि अम्ल भी जो है अभिक्रियाशील है, क्षार भी अभिक्रियाशील है। अगर हम अम्ल और क्षार को मिला देते हैं या इनके बीच अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, बहुत तेजी से दोस्तों क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। क्या कहलाएगी, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और क्या बनता है, लवण प्लस जल। इसी प्रक्रिया के तहत क्या बनता है, लवण बनता है और जल निर्मित होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्ल और क्षार को मिला के, अम्ल को क्षार को मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा और लवण और जल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए उदासीन लवण क्या है, उदासीन लवण, उदासीन लवण किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल है, अम्ल क्या है, प्रबल है और क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो क्या होगा, पीएच मान इसका क्या होगा, 7 होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया था कि 0 से 7 तक अम्ल होता है, यहां एक जो है स्केल थी, और ये क्या है 14। ठीक है, ये क्या है 14, तो ये इधर जब जो है जितनी संख्या बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, जितना इधर बढ़ेगी जो है किसी भी पदार्थ की प्रकृति तो वो क्या कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। मतलब अगर पीएच मान 1 है तो बहुत अम्लीय है, 2 है तो थोड़ा सा कम अम्लीय, मतलब 7 से चलते हैं, 7 है तो क्या है, ये है लवण, 6 की तरफ है तो अम्लीय,
पांच है तो और अम्ली, चार है तो और अम्ली, तीन है तो और अम्ली, दो है तो और अम्ली, एक है तो बहुत अम्ली, जीरो सबसे ज्यादा अम्ली। इसी तरह यहाँ क्या होता है, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, चौदह है तो बहुत अधिक क्षार की, तेरह है तो कम, ऐसे इधर होते हुए कम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि इसका पीएच का मान क्या होता है, सात होता है। यहाँ सात पे क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है, ये उदासीन हो जाता है, क्लियर हुआ। उदाहरण NaCl, NaCl हो गया या CaSO4 हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, लवण है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नमक जो आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण ही तो है जो आप खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदासीन लवण। चलिए और देख लेते हैं, अम्ली लवण देख लेते हैं दोस्तों, अम्ली लवण कौन से हैं। अब उदासीन में मतलब बैलेंस में है, ठीक है, उदासीन में मतलब प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार है, दोनों बराबर प्रबल है तो जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण बनेगा। अब अम्ली लवण का मतलब है कि अम्ल की प्रधानता ज्यादा है, अम्ली लवण, अम्ली लवण क्या होगा, अब इसका मतलब है कि प्रबल अम्ल है और सीधी सी बात है दुर्बल क्षार है, अम्ल प्रबल है क्षार दुर्बल है, अम्ल की प्रधानता है, उदासीन में दोनों बराबर थे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अम्ल हावी है तो पीएच मान क्या होगा, आप तुरंत बता सकते हैं कि सात से तो कम ही होगा, सात से कम होगा, क्लियर हुआ। पीएच मान क्या होगा दोस्तों, सात से कम होगा, ठीक। अब जैसे इसके उदाहरणों में कौन कौन से ऐसे जो है लवण है जो अम्ली लवण में आते हैं, उदाहरण के लिए NH4Cl, ठीक है, NH4NH4NO3, ये सब क्या है, ये अम्ली लवण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, अम्ली लवण की श्रेणी में आते हैं। अब इसी तरह हम क्षारकीय लवण देख लेते हैं, इसी तरह दोस्तों हम क्या देख लेते हैं, क्षारीय लवण। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा, प्रबल क्षार होगा प्लस दुर्बल अम्ल होगा, क्या होगा, प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। पीएच का मान सीधी सी बात है, पीएच का मान सात से अधिक, सात से चौदह की तरफ जाता है तो दोस्तों क्या होता है, क्षार होता है, सात से कम आता है जीरो तक तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, याद रखिएगा। बीच में क्या होता है, उदासीन होता है, सात क्या होता है, उदासीन, सात से जीरो की तरफ अम्ली, सात से चौदह की तरफ क्षार की, ठीक है। तो पीएच का मान कितना होता है, सात से अधिक होता है। अब उदाहरण जैसे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CH3, ठीक है, COONA, ठीक है, COONA, ये सारे क्या है दोस्तों, ये क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं NaCl क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये NaCl। तो ये क्या है दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, उदासीन लवण है, सोडियम क्लोराइड, या इसको क्या कहेंगे, साधारण नमक, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, साधारण नमक। इसको कहां से बनाया जाता है, समुद्री जल से, समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड को निर्मित किया जाता है, ठीक है। अब चलिए रॉक सॉल्ट क्या है दोस्तों, रॉक सॉल्ट काला नमक, रॉक सॉल्ट
रॉक सॉल्ट, जिसको हम काला नमक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। अब देखिए, समुद्री पानी से नमक बनाया जाता है, यानी सीएल, मतलब साधारण नमक जो है बिल्कुल उसका स्रोत बिल्कुल अलग है, पानी है, समुद्री पानी, समुद्र से उसको निकाला जाता है, बनाया जाता है। रॉक सॉल्ट का समुद्र या पानी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कहा, जैसे कोयला निकाला जाता है, ठीक है, कोयले का खनन होता है, कोयले की तरह इसका भी जो है क्या होता है, इसका भी निष्कर्षण किया जाता है, मतलब एक तरह से ये खनिज है। ठीक है, जैसे कोयलों को निकाला जाता है वैसे इसको भी निकाला जाता है, भूरे रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब रॉक साल्ट भी क्या है, ये क्या है, लवण है। तो दोस्तों इस तरह जो है अम्ल क्षार और लवण का टॉपिक कंप्लीट होता है, और इससे संबंधित जितनी चीजें महत्वपूर्ण है हमने उसको आपको बताया है। अगले टॉपिक में हम एकदम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे अगली क्लास की, और कुछ ऐसी चीजें जो परीक्षा में पूछी गई हैं अम्ल और क्षार के और लवण के विषय में, कुछ प्रश्नोत्तरी है, तो वहां से कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट अगर होंगे तो मैं आपको उसको उसी के साथ कराऊंगा, और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।